हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकिपीडिया। माय नेम इज अभिषेक शर्मा और आज हम एक और वीडियो आपके लिए लाए हैं इन इंडियन इकोनॉमी। सो विद इन द अभिषेक टेक सीरीज, ये जो वीडियो है आज का हमारा फोकस होगा कंसोल बॉन्ड्स एंड करंट इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियो। अब समझने वाला कंसर्न इसमें यह है कि ये कंसोल बॉन्ड्स होते क्या है। हिंदू के अंदर इसको हाईलाइट किया गया था और पीएम केयर्स जो हमारा एक फंड है जो इस कोविड-19 सिचुएशन से डील करने के लिए बनाया गया है उसके अगेंस्ट ये कंसोल बॉन्ड्स की बात की जा रही है। सो प्रीलिम्स के लिए हमें ये एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि व्हाट इज दिस कंसोल बॉन्ड, ओके, एंड अल्टीमेटली हाउ विल दे बी यूजफुल इन द इंडियन इकोनॉमी। हमारे आज के चलते हुए करंट इकोनॉमिक सिनेरियो के अंदर इसकी यूजेज क्या है वो देखने वाली बात होगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट प्री के हिसाब से कंसोल बॉन्ड्स रहेंगे, तो एक बार जरा न्यूज में देखते हैं कि क्या है। So, the COVID-19 pandemic and consequential national lockdown in the country has laid a grave impact on the Indian economy. Okay, so इस scenario के चलते हुए there is a need for a large stimulus. अब छोटे मोटे stimulus से बात बनने वाली है नहीं because small scale industry का बहुत बुरा हाल है, कल हमने एक वीडियो के अंदर देखा था, ठीक है। और ये वाले जो बॉन्ड्स हैं एज इट इज ये MSMEs को और बाकी के इंडस्ट्री को भी खड़े होने में हेल्प करेंगे, देखेंगे हम कि कैसे होता है आगे चल के। So they need to be introducing a big stimulus package. तो इसको करने का एक तरीका जो हो सकता है और उसको करने का एक ऐसा तरीका कि the required stimulus will exceed the current revenue receipts, but yet it will be, you know, operational for a longer period of time and not create such a havoc for the government's fiscal deficit situation as well. तो इस तरह का कोई तरीका हमें सोचने की जरूरत थी। So, an introduction of console bonds is one of the solutions for the government to fund this particular stimulus. So, this is the main concern which is now being highlighted. So, let's look at what are these console bonds. Okay. So, console bonds, also known as perpetual bonds, is a fixed income security with no maturity date. So, ye dhyan se dekhna hai. Fixed income security with no maturity date. So, it is often considered as a type of equity rather than a debt. तो आमतौर पे जो बॉन्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको डेट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं क्योंकि इश्यूअर जो है उसको एक तरह से कर्जा लेना होता है, लेकिन यहाँ पे एक तरह से इक्विटी या एक इक्वल पार्टनर या शेयर होल्डर के तौर पे इसको देखने की जरूरत है। द मेजर बेनिफिट ऑफ दीज बॉन्ड्स इज दैट दे पे ए स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स फॉर एवर। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ गवर्नमेंट जो है वो इस तरह से अगर बॉन्ड्स इशू करेगा तो हमेशा के लिए वो एक इनकम दे सकता है, लेकिन इसमें एक कैच है। हाउएवर दीज बॉन्ड्स कैन बी रिडीम्ड एट इश्यूअर्स डिस्क्रिशन। मतलब इंटरेस्ट आपको तभी मिलेगा जब गवर्नमेंट देना चाहेगा, जब वो उसके लिए डिस्क्रिशनरी एक अलाउ करता है। लेटली ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी जो हमारी डेवलप्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर चीज लेके आए हैं। जो पीपीएफ के अंदर आप हम जैसे पैसा जमा कराते हैं प्रोविडेंट फंड के अंदर, तो वहां पे भी जैसे प्रोविडेंट फंड जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें से लोगों को अलाउ किया गया है कि आप अपने पैसे निकाल सकते हैं, और कुछ कंट्रीज में इन्हीं प्रोविडेंट फंड्स के बेसिस पे इनको कंसोल बॉन्ड्स में कन्वर्ट करने की भी बात चल रही है कि इसी के ऊपर जो गवर्नमेंट है इंटरेस्ट जो है वो पेमेंट रिलीज करना शुरू कर दे, क्योंकि इनपे आमतौर पर कॉम्पाउंड इंटरेस्ट लगता है। तो दिस इज हाउ दे आर ट्राइंग टू क्रिएट इट। ओके, नाउ कंसोल बॉन्ड्स इन हिस्ट्री किस तरह से इससे पहले चलते रहे हैं। So the console bonds were majorly used by the British government during the World War I and these bonds were issued in 1917. आपको याद होगा World War I का पीरियड क्या था, 1914 से लेके 1919 तक। तो इस पीरियड के अंदर World War I चला था, तो 1917 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको रेज किया था टू रेज मोर मनी टू फाइनेंस द ऑनगोइंग कॉस्ट ऑफ World War I. तो उस टाइम पे कॉस्ट ऑफ World War I के लिए था, अभी कॉस्ट ऑफ पैंडेमिक हैंडलिंग के लिए हो सकता है। Then, in 2014, again, the British government, a century after the start of World War I, paid out 10% of the total outstanding of the console bond debt. So, basically, जो पैसा उस टाइम पे लिया था, उसके 100 साल बाद करीब करीब जाके उन्होंने इसका पैसा जो है, उसका 10% debt वापस किया। अब आप सोचते होंगे कि भाई जिन्होंने उस टाइम पे खरीदा था, उनको इसका क्या फायदा, तो उनकी आगे आने वाली पीढ़ियों को उसका फायदा मिला होगा। खैर इंडिया में अगर ऐसा कुछ लेके आना है तो उसमें जो पे आउट्स हैं वो जल्दी इनको इंश्योर करने पड़ेंगे कि ठीक है आप कंसोल बॉन्ड खरीदिए और अगले साल से पेमेंट ले लीजिए, तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो हो सकता है उसमें फिर यील्ड रेट्स हम उस तरह से वेरी कर लें। अब करंट सिनेरियो में इसका क्या एस्पेक्ट है, लेट्स लुक एट दैट। एक डिबेट जो इकोनॉमिक सर्कल्स में चल रहा है वो ये दैट वी शुड हैव गॉन फॉर कंसोल बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ पीएम केयर्स फंड। पीएम केयर्स के अंदर अब एक फंड बेसिकली गवर्नमेंट ने जनरेट किया था जिसमें
आप पैसा जमा कराइए, फिर गवर्नमेंट जो है एज इट इज लोगों की हेल्प करेगी एसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट प्रोक्योर करने में और पैंडेमिक की हैंडलिंग के लिए। अब यहाँ पे डिबेट ये चल रहा है इकोनॉमिक सर्कल्स के अंदर दैट कंसोल बॉन्ड्स वुड हैव बीन अ बेटर सॉल्यूशन फॉर द गवर्नमेंट इफ पीपल वर इन्वेस्टेड और पीपल वुड हैव इन्वेस्टेड इन द कंसोल बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ मेकिंग डोनेशंस टू पीएम केयर्स। सो दिस वुड कम एज अ इन्वेस्टमेंट, ओके, व्हाइल पीएम केयर्स इज मेयरली ए डोनेशन। दिस इज द कोर कंसर्न हियर and it could have made citizens as active participants in handling the economic scenario of the country. अब क्या होता है कि एक fund बनाया, अब उसकी जो as it is dispersal होगा, ठीक है, वो खर्चे जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा, तो citizen भी एक बार fund में पैसा डाल के बाद में बिल्ले होके बैठ गए, अब उसके बाद भी उनकी अगर investment होगी तो they will come to know कि fund कैसे operate हो रहा है and everything like this. तो console bond अगर operate होते तो citizen का interest भी बना रहता और ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट करते, क्योंकि अभी तो जैसे ये सिर्फ एक डोनेशन के लेवल पे ही है, सिर्फ टैक्स में रिलीफ मिल रहा है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट होता है इसमें एक इंटरेस्ट लिंकेज भी होती तो ज्यादातर इंडस्ट्री जो आज की डेट में सिर्फ गोल्ड में या यू नो ऐसे सेक्टर्स में ही इन्वेस्ट करना चाहती है तो उनको इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता था। देन अनलाइक पीएम केयर्स द proceeds of the bonds could have been utilized to fulfill the various essential medical as well as economic requirements of the country. So scenario mapping thodi si iski kar lete hain. So the fall of real estate, basically this is a scenario mapping with respect to the current situation of Indian economy. Okay, so Indian economy ke andar abhi kya chal raha hai, the fall of real estate and the given lack of safe havens outside of gold. Abhi sirf ek gold hi hai jiski value badhti ja rahi hai, log usme zyada se zyada invest karna chahte hain. The bond would offer a dual benefit of risk-free investment for retail investors and it will also create money for the government. Then an attractive coupon rate for the bonds or the tax rebate can also be an incentive for the investor. So basically agar yahan pe tax rebate or coupon rate matlab jo interest aap pay karenge, jo government yahan pe interest pay karegi, agar wo bhi acha rakh diya jaye to ye ek added incentive jo hai wo ho sakta hai. The government can consider a phased redemption of these bonds after the economy is put back on the high growth path. To ye kaha ja sakta tha ki लेट्स से दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आपको 5 साल के लिए इसमें पैसे रखने होंगे, उसके बाद आपको हम 10% इंटरेस्ट देंगे या 7% इंटरेस्ट देंगे, डिपेंडिंग अपॉन हमारा ग्रोथ रेट इकोनॉमी का कैसा आता है। तो इस तरह की जो एक सिनेरियो मैपिंग हो सकती थी, तो ऐसा अभी इकोनॉमिक सर्कल्स में बात हो रही है, तो प्रोबेबली जो हमारा सेकेंड इकोनॉमिक पैकेज अभी आना बाकी है उस तरह इस तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो वहां पे भी देखे जा सकते हैं, बिकॉज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए तो ये स्पेसिफिकली बेनिफिशियल होगा, जो अभी के टाइम पे जितना भी उनके पास मनी है वो स्टक है तो कहीं ना कहीं इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं टिल द पीरियड ऑफ लॉकडाउन इज लास्टिंग। ओके, चलिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा बेसिक लेवल पे। तो अगर आपके कोई भी और डाउट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी, सो यू कैन राइट इन टू मी एट माई ईमेल आईडी abhishek@abhimanyu.com. थैंक यू सो मच फॉर बींग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन. Stay home and study safe. This is me, Abhishek Sharma, signing off.